लास्ट क्लास में हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा किया था, और हीट कैपेसिटी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। और हमने कहा था कि तुम लोग का होमवर्क ये है कि इसके बीच में डिफरेंस लिख के लाना, और एटलीस्ट तुमको 3 डिफरेंस याद होने चाहिए। तो तुमको अगर 3 डिफरेंस पता है तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हीट कैपेसिटी मैंने यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, तो ये जो हीट कैपेसिटी है इसको हम लिखते हैं सी डैश से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लिखते हैं सी से। तो मैंने कहा था कि जो तुम लोग सबसे पहला लिखना डिफरेंस, वो दोनों का डेफिनेशन सबको पता है, दोनों का डेफिनेशन नंबर वन में। सेकेंड वाला देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तुम लोग, तो मेरे को एक्चुअल में सेकेंड वाला ही तुम लोग को करना था, बताना था। एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी ये बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। और मेन मेरे को यही बताना था। देखो, तुम लोग फॉर्मूले से मत जाना, तुम अगर फॉर्मूले से जाओगे तो वहां से जो सी आता है वो आता है क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो यहां से तुमको ऐसा देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो सी है तुम्हारा, हमने कहा था कि सी जो तुम्हारा होता है वो आता है एक कॉन्स्टेंट। जब हम लोग वो साइन हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, तो वहां से एक कॉन्स्टेंट आता है। और वो जो सी होता है ओनली तुम्हारा बॉडी किस सब्सटेंस से बना हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ करता है डिपेंड कि आपका वाटर है, मतलब सब्सटेंस कैसा है, वाटर है कि आयरन है। अगर आपने वाटर 100 ग्राम लिया है तो भी उसका मान लीजिए कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्स था, तो आप जब वाटर 1 kg लोगे तो भी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्स ही होगा, मास चेंज करने से वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेकेंड हो गया डिफरेंस। और थर्ड में, थर्ड पॉइंट तुम लिखना इनका यूनिट, ये तुमको पता है। तो यूनिट और डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, और मेनली मेरे को ये सेकेंड पॉइंट बताना था। तो ये 3 पॉइंट तुम लोग लिख दोगे तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये अपना आज का पहला कहानी हुआ डिफरेंस। अब हम लोग चेक करते हैं कुछ नोट्स में, कुछ पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे हमने कहा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करता है डिपेंड सब्सटेंस पे, और क्यू होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम होता है मास ऑफ द बॉडी जिसका आप टेम्परेचर चाहते हो इंक्रीज करना। सी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। देखो, मैं एक बार बोल रहा हूँ मास ऑफ द बॉडी, और मैं एक बार बोल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब वो उस बॉडी का खासियत नहीं है, वो जिससे बना हुआ है उसका खासियत है। और डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर आपका डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो हमको ये क्यू हीट सप्लाई करना होगा, और जब डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो क्यू हीट यहाँ पे रिलीज होगा। फॉर्मूला हमको सेम यूज करना होता है। ओके, अब तुम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, सी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरे को हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, और हम चाहते हैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना। ये वाटर था, मेरे पास 100 ग्राम आयरन भी है, और उसका भी हम चाहते हैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना। तो मैंने दोनों का मास और इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम रखा है, और हमने तुमसे बोला, सवाल सवाल किया कि इन दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है। तो चलो, मैंने बोला कि वाटर में मैंने हीट सप्लाई किया है QW, और इस आयरन में मैंने हीट सप्लाई किया है QFE। तो क्या ये दोनों हीट सप्लाई का वैल्यू सेम आएगा, मेरा सवाल ये है कि, क्योंकि हमने मास सेम लिया है दोनों सब्सटेंस का, और इंक्रीज भी टेम्परेचर सेम है, और हम मेरा सवाल ये है कि क्या दोनों केस में हम लोग सेम हीट सप्लाई करेंगे। तो आंसर होगा नहीं, दोनों केस में आप सेम हीट आपको सप्लाई नहीं करना होगा। दोनों केस में जो हीट सप्लाई करना होगा वो डिफरेंट होता है। तो क्यों बोला हमने डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों मेरे जो हमने सब्सटेंस लिया था वो डिफरेंट था। वो जो दो सब्सटेंस, एक आपका वाटर था और एक आपका आयरन था, तो इसलिए हमने बोल दिया कि आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस की भी कहानी आ रही है, और सब्सटेंस की कहानी जहां भी आती है वहां पे तुम्हारा आता है इस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी ऑफ आयरन, तो ये दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मेरे को डिफरेंट हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वो तुमको यहाँ इस फॉर्मूले से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि एग्जैक्टली मेरे को कितना सप्लाई करना होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे दोनों का डिफरेंट होगा। ओके, अब यहाँ से साफ साफ ये तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसमें मेरे को ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा मेरे को उसमें ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि जल्दी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। सिंपल सी कहानी है, और ये तुमको याद रखना, इस पे हम लोग आगे बहुत सारा चर्चा करने वाले हैं कि जिस भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, हाई होता है, उसका टेम्परेचर सडन राइज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा है तो वो जल्दी उसका सडन राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा। सिमिलरली अगर उसका टेम्परेचर फॉल करना है तो उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना होगा, तो इसलिए उसका सडन टेम्परेचर फॉल भी नहीं होता है। तो जिस सब्सटेंस का आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने वाला है, ना तो उसका सडन राइज इन टेम्परेचर होगा और ना ही उसका सडन फॉल इन टेम्परेचर होगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है और इसके हम लोग बहुत सारा चर्चा भी करेंगे कि देखो मैंने लिखा है कि इफ अ सब्सटेंस हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज और फॉल इजिली। मैंने बोला इजिली फॉल नहीं करेगा, उसका राइज कर सकता है, फॉल कर सकता है, आसानी से नहीं होगा। तो ये हुआ, तो ये हुआ पहला अपना कहानी जहां से हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ हमने नॉलेज जाना। ओके, अब देखो नेक्स्ट कहानी, अगर जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसका सडन राइज और फॉल इन टेम्परेचर नहीं हो सकता है, मतलब कि वहां पे आसानी से आपका हीट सप्लाई नहीं हो सकता, आपका हीट सप्लाई इजिली नहीं हो पाएगा, या ऐसे बोलो कि हाँ सडन राइज और फॉल नहीं हो रहा है आसानी से, तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि अगर इफ अ सब्सटेंस हैज हाई, मैं अब सिंपल लिखता हूँ शॉर्ट में, सी सी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इफ अ सब्सटेंस हैज हाई सी देन इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। किसी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है तो वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर सडन राइज और फॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जिसका सडन राइज और फॉल होता है उसको हम बोलते हैं कि अच्छा हीट का कंडक्टर है। ओके, अब हमने यहाँ पे पिछले 5-6 मिनट से हम लोग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अब एक तुमको एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बोलता हूँ जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, और शायद तुम लोग को पता है, एक्चुअल क्लास 9 में तुमने ये सीखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये लोग को आइडिया होता नहीं है कि इस सब्सटेंस का इतना हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकता है, और वो है वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4180 जूल पर केजी पर केल्विन, या हम लोग फॉर कैलकुलेशन पर्पस इसका 4200 जूल पर केजी पर केल्विन भी यूज करते हैं, और इन इन अदर यूनिट इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और ये बहुत ज्यादा हाई होता है। ये देखो 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। आयरन का देखो, मैं इसको करता हूँ कंपेयर विथ आयरन, आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है आपका 483 जूल पर केजी पर केल्विन। तो देख लो अब कि पर केल्विन है, सॉरी पर केल्विन, तो देख लो यहाँ से कंपेयर करके क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है कि हाँ बोलो क्या क्या क्या, फिर से बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, आयरन इज अ बेटर कंडक्टर देन वाटर ऑफ हीट। ओके ठीक है, ठीक है चलो, तो ये कहानी हमने यहां से सीखा। अब वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने का मतलब क्या हुआ कि इसका सडन राइज और फॉल इन टेम्परेचर नहीं होता है,
का, और इसका बहुत सारा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन भी है। और उसमें से एक एप्लीकेशन ये होता है कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 80% वाटर होता है, 80% वाटर होता है। इसलिए विंटर या फिर समर, आप कोई भी मौसम ले लो, तो उससे मतलब कि उस मौसम में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है और हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो जल्दी ठंडा या गर्म नहीं हो पाता, नहीं होता है आसानी से। इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम लोग आगे सीखेंगे। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हारा आया था 2019 आईसीएसई में, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। ये आईसीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है, और इसमें कुछ दो हमको दिए थे डेटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्वेश्चन क्या था, मैं वो एक बार रीड करता हूँ, तुम लोग सुनना और बताना मेरे को आंसर। क्वेश्चन था कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 3800 जूल पर केजी पर केल्विन एंड दैट ऑफ सब्सटेंस बी इज 400 जूल पर केजी पर केल्विन, फुल स्टॉप। विच ऑफ द टू सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? विच ऑफ द टू सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्वेश्चन मार्क, गिव गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है, आपको नाम बताना है और उसका आपको रीजन भी बताना है। तो बोलो आंसर क्या होगा। सब्सटेंस बी, हाँ वेरी गुड, सब्सटेंस सब्सटेंस बी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि लिखना कि जो आपका जो सेकंड पार्ट था उसका गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, तो लिखना सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी इज लो, सो इट्स टेम्परेचर कैन बी इजिली इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा उसका रीजन भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अपना। 1 मिनट, सॉरी सॉरी। चलो देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कैलोरी मीटर, और इस जो कैलोरीमेट्री वाला जो पहला सेक्शन था जहां पे हमने कहा था कि हम लोग सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज सीखेंगे, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने का चांस होता है, हालांकि जो हमने अभी तुमको सिखाया है वहां से भी क्वेश्चन आता है। देखो कैलोरीमीटर, तो सबसे पहले तो ये स्टडी करने से पहले तुम ये जान लो कि अगर मान लो कि मेरे पास दो सब्सटेंस ए और बी थे, और इनका टेम्परेचर मान लो ए का था T1 और बी का था T2। अब मान लो यहाँ पे यूनिट T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ T1 इज मोर देन T2। और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे हीट फ्लो होता है। जब भी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो होता है, इसका बेसिकली आप लोगों को होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हीट फ्लो होता है, और हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस ए और बी को मिक्स करेंगे तो हीट होगा फ्लो फ्रॉम सब्सटेंस ए टू सब्सटेंस बी, या फिर बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ हीट फ्लो होगा, और ये हीट फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। दिस इज सिमिलर टू द, जैसे मान लो कि अगर दो कंटेनर में वाटर था, और अगर दोनों कंटेनर में वाटर का लेवल डिफरेंट है, तो आप जब उनको एक पाइप से करते हो कनेक्ट, तो वाटर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो करता है तब तक जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए, या इन सिंपल टर्म बोलते हैं जब तक दोनों में प्रेशर सेम ना हो जाए। सिंपल सी कहानी अपनी ये होती है। वैसे ही तुम लोगों को अगर करेंट का आइडिया होगा, तो करेंट तब तक फ्लो करता है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सिमिलरली ये जो हीट हीट एनर्जी तब तक फ्लो करेगा जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आपका हीट एनर्जी यहाँ फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और उसी का हम लोग अभी यहाँ स्टडी करना है। हम लोग दो या दो से ज्यादा बॉडी को मिक्स करेंगे, मेनली हम लोग दो बॉडी को ही मिक्स करेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो अपने को ज्यादा चांप की बात है नहीं। तो मैंने टॉपिक लिया है कैलोरी मीटर, तो ये देखते हैं होता क्या है। तो ये एक सिंपल सा एक कंटेनर होता है, ये सिलिंड्रिकल एक वेसल होता है, जहां पे हम लोग दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, और फिर दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो हॉट सब्सटेंस था या जो हॉट बॉडी था उसने कितना हीट एनर्जी लूज किया है, फिर जो मेरा कोल्ड था उसने कितना गेन किया है, और हम लोग फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी फाइंड करते हैं। अब सुन लो तुम लोग, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मतलब कि जितने भी उसके
कंपोनेंट्स के जितने भी उसमें तुम्हारे बॉडी से सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो फाइनली सबका टेम्परेचर सेम आने वाला है। तो ये तुम लोग अपने मन में जब भी क्वेश्चन आए तो ये अपने मन में तुम लोग सोच के चलना कि फाइनल टेम्परेचर सबका सेम हो जाएगा सारे कंपोजिशन का। ओके, तो ये कंटेनर होता है और इस कंटेनर के बारे में भी आपसे आता है सवाल। तो सबसे पहला सवाल कि दिस कैलोरी मीटर इज मेड ऑफ थीन सीट ऑफ कॉपर। अब सवाल उठता है कि हम लोग इसको थीन सीट ऑफ कॉपर से ही क्यों बनाते हैं। ओके, सुनिए, तो इस टॉपिक से स्टार्टिंग से ही आपका क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत हॉट क्वेश्चन है कि वाई कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ थीन सीट ऑफ कॉपर। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका रीजन, दो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रीजन, दोनों आप लोग याद रखना। तो होता ये है कि ये जो कॉपर अपना होता है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होता है, कॉपर काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। इसलिए ना, जैसे उसमें जो उसके कंपोजिशन थे, उसमें जो हमने मतलब इस कंटेनर में जो जिस मिक्सचर को रखा था, उस मिक्सचर का टेम्परेचर ये इजिली गेन कर लेता है। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर हमने उसमें पानी रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो मेरा कैलोरीमीटर है जो कि थीन सीट ऑफ कॉपर से बना हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी वो वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेता है। तो ये हमको एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा जरूरी है कि मेरा कंटेनर सेम टेम्परेचर गेन कर लें। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि सिंस मैं यहाँ लिखता हूँ, दो यहाँ पे मैंने जो होता है रीजन लिख दिया है। नंबर वन में क्या था कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट एक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ इट्स मिक्सचर वेरी इजिली। जो हमने उसमें जो भी मिक्स किए थे हॉट और कोल्ड बॉडी को, उनका टेम्परेचर वो आसानी से जल्दी गेन कर लेता है। और देखो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग अपने एग्जाम में इसको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिख के आ गया TEMP और एंड डॉट, तो फिर तुम्हारा नंबर कट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला ये रीजन। सेकेंड जो होता है वो है कि थीन सीट ऑफ कॉपर हैज वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तुम्हारा इस पे स्टार मार्क दो। सो इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द मिक्सचर एंड एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने अभी सीखा था कि जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, वो कम हीट लेके उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज या फॉल करता है। तो वही हमने यहाँ भी यूज किया है कि अगर थीन सीट ऑफ कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, तो वो मिक्सचर से मतलब जो उसमें हॉट बॉडी था उससे काफी कम हीट वो खुद लेगा, काफी कम हीट वो खुद लेगा और फिर वो टेम्परेचर जो भी होगा मिक्सचर का वो अटेंड कर लेगा। और हम चाहते ये हैं कि मेरा जो कंटेनर है वो कम से कम हीट खुद ले, मतलब कि जो मेरा कैलोरीमीटर है वो कम से कम हीट ले। सारा हीट कहाँ चल जाए, जो हॉट बॉडी लूज करे वो कोल्ड बॉडी में चल जाए, मतलब हमने जो दो बॉडी मिक्स किया था उसी में एक्सचेंज हो। हम चाहते नहीं कि मेरा कंटेनर ज्यादा अमाउंट का हीट ले। ठीक है, तो इसलिए हम उसको थीन सीट ऑफ कॉपर का बनाते हैं। तो ये दो रीजन तुम लोग याद रखना और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली तुमसे बोर्ड्स में आते हैं क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं कि ये जो मेरा कैलोरीमीटर है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसा ये दिखता है और क्या इसका क्यों ऐसा ये बनाया जाता है। तो सबसे पहला कहानी जो हमने बोला कि ये थीन सीट ऑफ कॉपर से बना होता है, तो जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये इनर लाइनिंग, देखिए ये जो ये कॉपर ही है, ये कॉपर का मेड होता है, ये है मेरा कैलोरीमीटर। अब हम चाहते क्या है कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट जब हम दो बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे, तो हम चाहते ही हैं कि जो भी मेरा हॉट बॉडी हीट लूज करे वो सारा का सारा कहाँ चल जाए, मेरा जो कोल्ड बॉडी था उसमें चला जाए, और कुछ थोड़ा सा अमाउंट मेरा जो कंटेनर जो मेरा कैलोरीमीटर है वो ले। हम ये नहीं चाहते कि कुछ भी हीट मेरे सराउंडिंग में आसपास लॉस हो, मेरे सराउंडिंग में कोई भी हीट एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसा क्या बोलें कि हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं या बहुत सारा ऐसा कुछ हम सेटिंग करते हैं ताकि मेरा हीट इस कैलोरीमीटर से बाहर ना चल जाए। और इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन, मतलब कि हम लोग इस कैलोरीमीटर को इंसुलेटेड कर देते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। और उसके लिए देखो हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है कि ये जो मेरा कॉपर का कैलोरीमीटर था, इसका इनर सरफेस, देखो इसका जो ये जो इसका इनर सरफेस होता है और जो इसका होता है आउटर सरफेस, उसको हम करते हैं पॉलिश, उसको हम करते हैं पॉलिश। होता क्या है कि पॉलिश करने से हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन से हम लोग उसको बचाते हैं। आपने ऐसा सुना भी होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वो होता है तीन
तीन टाइप का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन है ना, रेडिएशन। तो आपको तीनों से इसको बचाना होगा कि किसी भी तरीके से मेरा हीट बाहर ना चल जाए। तो हम लोग इसके इस मेटल का जो कंटेनर था, कैलोरीमीटर जो है, उसके इनर और आउटर सरफेस को हम लोग पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से क्या होता है कि हीट लॉस ड्यू टू या हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन को हम लोग रोकते हैं। प्लस उसके बाद ये रहा मेरा कंटेनर, ये रहा मेरा कंटेनर, और ये है देखो, ये जो बाहर में आपको ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वुडेन जैकेट। वुडेन मतलब कि वुड का, ये लकड़ी का होता है कवर, उसमें हम लोग इसको रखते हैं ताकि इसको हम इंसुलेट कर पाए, ताकि हम लोग इसको और इंसुलेट कर पाए। और इसके बीच में मतलब कि ये जो कॉपर का था आपका कैलोरीमीटर और जो आपका ये वुडेन जैकेट है, इसके बीच में देखो, जो आपको यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा होगा, इसके बीच में हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल, इसके बीच में हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल लाइक ये आपका ऊल और कॉटन रखते हैं, ऊल और कॉटन रखते हैं, ताकि आपका हीट ड्यू टू कंडक्शन ट्रांसफर ना हो जाए। हीट ड्यू टू कंडक्शन, आपको तीनों तरह का जो ट्रांसफर मोड था सबको आपको ब्लॉक करना होगा। तो मैंने पॉलिश करके रोक दिया रेडिएशन, मैंने इसके बीच में ये कॉटन या ऊल डाल के रोक दिया है कंडक्शन। और उसके अलावा देखो, यहाँ पे तीन ठो होता है वुडेन लीड, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है तीन ठो वुडेन लीड, और ये जो वुडेन लीड है ये मेरा हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन रोकने में हेल्प करता है। और यहाँ पे आपको दो गैप भी दिख रहा होगा, दो होल दिख रहा है, एक्चुअल में दो होल हम लोग इसलिए छोड़ते हैं ताकि एक से हम लोग उसमें थर्मोमीटर डाल सके, तो मेरा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर वो रीड करेगा। और जो सेकेंड ही आपको जो होल दिख रहा है वहां पे है स्टेरर, ताकि हम उससे मिक्सर को मतलब क्या हम लोग उसको मिला सके अच्छे से, जो हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर सके, उसके लिए यहाँ पे एक स्टेरर भी होता है। तो सिंपल सा ये इसका कंस्ट्रक्शन है, हालांकि ये तुमसे कहीं भी इसका आज तक हम देखे नहीं है कि क्वेश्चन तुमसे, लेकिन इस पे क्वेश्चन तुमको पूछ दे, लेकिन इसको समझना जरूरी है। हाँ, हालांकि कभी कभी इसका जो ये डायग्राम तुमसे इसका आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कैलोरीमीटर, तुम लोग इसको ध्यान रखना। मैंने इसका क्यों ऐसा इसका होता है कंस्ट्रक्शन तुमको हमने वो भी सिखा दिया है। अच्छा, अगर तुम लोग याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो और अच्छी बात है। चलो, अब हम लोग और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा जा रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे मेरा हीट लॉस कितना हो रहा है, हीट गेन कितना हो रहा है, और फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है। हम लोग थोड़ा सा अब कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे। जाने के लिए जो हम लोग टॉपिक लगाएंगे, अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप के आंसर में आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर है, या फिर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखो, ये जो है ना टर्म कैलोरीमेट्री, एक्चुअली ये स्टडी का एक सेक्शन है, ये स्टडी का एक सेक्शन है। क्या क्या क्या, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैलोरीमेट्री का। तो ये आपका एक सेक्शन होता है जहां पे हम लोग हीट लॉस बाई वन बॉडी एंड हीट गेन बाई द अदर बॉडी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ओके, सबसे तो पहला जो तुम लोग इसका याद रखना, स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं इसका लिखता हूँ स्टेटमेंट, या फिर इसका लिखता हूँ प्रिंसिपल क्या होता है। चलो, तो मैंने यहाँ पे इसका लिखा है स्टेटमेंट, एक बार मैं इसको रीड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो तुम लोग लिखना या तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या फिर सीधे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इफ अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी मिक्स टूगेदर, देन हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी इफ देयर इज नो लॉस इन हीट टू द सराउंडिंग। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द प्रिंसिपल। और तुम लोग ये याद रखना कि अगर मेरे सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ है, तो हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगा सारा का सारा कहाँ जाएगा, हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। और इसलिए मैंने तुमको कहा था कि वो जो अपना सिस्टम था, जो सेटअप था, उसको हम लोग सराउंडिंग से इंसुलेट करते हैं ताकि बाहर में कोई हीट लॉस ना हो पाए। ओके, चलो अच्छी बात है। ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ये लॉ है। ठीक है, तो तुम लोग ये भी याद रखना कि तुमसे पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ ये जो मिक्सचर है ये कौन से
रूल को फॉलो करता है या कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो लिखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो मान लो कि मेरे पास दो बॉडी था, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का मैंने मास लिया है M1, कोल्ड, हाँ सॉरी, हॉट बॉडी का मैंने मास लिया है M1, हॉट बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था वो मैंने लिया है T1, और जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर था वो मैंने लिया है T1, तो मैंने लिया है T1 डिग्री सेल्सियस। जो कोल्ड बॉडी है उसका मैंने मास लिया है M2, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2, और उसका जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर था वो था आपका T2 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया, हमने इनको किया मिक्स, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, हीट होगा ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सो लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T डिग्री सेल्सियस। हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T डिग्री सेल्सियस। टी दोनों टी पे आके मेरा जो ट्रांसफर वो रुक गया है, दोनों हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर टी हो गया है, सेम हो गया, अब हीट ट्रांसफर रुक गया है। अब देखो ध्यान से, टी के बारे में एक खास बात क्या होता है ना, टी का वैल्यू हमेशा ही हॉट बॉडी वाले टेम्परेचर से कम होता है और कोल्ड बॉडी वाले टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तब समझना कि तुम्हारा आंसर सही आया है, हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब कि T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा। कौन सा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल जो टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का वो इन दोनों के बीच में आता है। ओके, तो हमने मान लिया लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट, तुम लोग ऐसे लिखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अब बताओ हीट लॉस बाय हॉट बॉडी क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, क्यू बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बस होगा क्या कि जो हीट लूज कर रहा है उसका जो डेल्टा टी होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, वो उसका डेल्टा टी डिक्रीज कर रहा होगा। का मतलब क्या हुआ कि हॉट बॉडी का पहले वाला टेम्परेचर होगा ज्यादा और बाद वाला टेम्परेचर होगा कम। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू, तो मास ऑफ हॉट बॉडी M1, उसका C1 जो था स्पेसिफिक, इनटू डेल्टा टी। एंड फॉर डेल्टा टी हमको लिखना है चेंज इन टेम्परेचर, तो पहले था ज्यादा बाद में हो गया है कम, तो लिखेंगे चेंज इज T1 माइनस T। तुम लोग चेंज यहाँ पे माइनस में मत लेना, पहले का टेम्परेचर उसका ज्यादा था, बाद का टेम्परेचर उसका कम हो गया, तो इसलिए मैंने चेंज के लिए लिया है T1 माइनस T। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया हीट लॉस बाई हॉट बॉडी। हमने कैसे किया है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी से, जहां पे था डेल्टा टी वो हमने किया है T1 माइनस T इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, तो M2 उसका मास, C2 और इसका चेंज इन टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर राइज किया होगा, तो पहले था T2 और बाद में था T, एंड T इज मोर देन T2, तो इसका हो जाएगा T माइनस T2। बस अब इसको तुमको करना है इक्वेट, अब यहां से जो भी होगा अननोन हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे तुम्हारा आता है क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे फेज चेंज नहीं होने वाला है, मतलब हम लोग मिलाएंगे वाटर में वाटर, पानी में पानी मिलाएंगे हम, या फिर जैसे मान लो कि ऐसा रहेगा कि रॉड में मिलाएंगे पानी, ऐसा एक वो रहेगा, एक आयरन रॉड रहेगा उसमें मिलाएंगे पानी, लेकिन हमारा फेज चेंज नहीं हो रहा होगा, वाटर वाटर ही रहेगा, रॉड रॉड ही रहेगा। फेज चेंज वाला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे आपका हम लोग आइस में मिलाते हैं वाटर, तो वहां पे भाई सिंपल सी बात है कि जब हम लोग आइस में मिलाएंगे वाटर तो आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाता है, तो वहां पे फेज चेंज होगा। फिलहाल हम लोग फेज चेंज का बात नहीं करेंगे, तो सिंपल सा ये टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज का बात होगा, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पे काम करेंगे। बोलो ये कहानी ठीक है सबको, सबको समझ में ना अभी तक? हाँ तुम लोग कैसा चमार है रे। हाँ तो तुम लोग को उस समय ना बोलना था कि हमने कहा था कि जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है,
जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आएगा वो T1 से कम आएगा, तो T1 से कम आएगा और T2 से ज्यादा आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, T2 से ज्यादा एंड लेस देन T1, ये देखो ऐसा होगा साइन, दिस इज द करेक्ट साइन। बाकी सब ठीक है, बाकी सब कहानी तुम्हारा सही है, बाकी सब जो मैंने बताया है वैसे ही चलेगा। आप बोलो। चलो तो ये सब लोग को बेसिक बातें समझ में आ गई कैसे हमको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप तुमको बस यहाँ वैल्यू बेस्ड रहेंगे। और मैंने तुमको पहले क्लास में भी बताया था कि तुम लोग इस क्वेश्चन इस चैप्टर में यूनिट का खास ध्यान रखना, सी जिस यूनिट में दिया रहेगा मास तुम लोग उसी यूनिट में लेना, और बाकी तुम्हारा आंसर भी सब वैसे ही उसी यूनिट में आपको आना पड़ेगा, यूनिट का खास ध्यान रखना। अब देखो तो इस क्वेश्चन में हमने ये माना है कि हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, लेकिन हमने अभी जस्ट सीखा था कि जब हम इसको जिस कंटेनर में मिक्स करते हैं, जिस कंटेनर में हम उसको मिक्स करते हैं, तो वो कंटेनर भी कुछ हीट लेता है, वो कंटेनर भी कुछ हीट लेता है। तो जब तक तुमको ना कंटेनर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुमको कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि मेरा आइडियल सिचुएशन है, तो कंटेनर ने कोई हीट लिया ही नहीं है, वो जो कैलोरीमीटर था, वो जो आपका वेसल था, उसने कोई हीट लिया, लेकिन एक्चुअली में वो लेता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आसान करने के लिए आपको आइडियल कंडीशन दिया रहे, तो उसमें हम लोग कंटेनर का कुछ ऐसा मानते ही नहीं है, लेकिन अगर तुमको कंटेनर के बारे में कुछ मेंशन किया रहे उस केस में हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, उस केस में हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, क्या हम लोग चेंज, तो इन द केस ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर ने भी कुछ हीट लिया तब उस केस में लेंगे कि हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी एंड प्लस कंटेनर, हीट गेन बाई कंटेनर, बस आपको यही करना है। क्योंकि अब जैसे ही अगर कंटेनर भी कुछ कुछ हीट एनर्जी ले रहा है, तो जो हॉट बॉडी लूज करेगा वो, मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरे पास पैसा है तब कुछ हम भी रखेंगे, कुछ तुमको भी देंगे, अगर हम तुमको नहीं दे रहे हैं सारा का सारा पैसा हम ही रख लिए, तो वो तो अपना पहले वाला केस, जब कंटेनर कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे तुमको भी हम देंगे, तो जो भी हमको अगर 100 रुपया मिला है तो 30 हम रखेंगे, 70 तुमको देंगे, तो सिंपल सी कहानी है, कोई वो नहीं है, बेसिक रूल है। अब देखो तो यहाँ पे कैसे करेंगे कुछ, तो मैंने वही माना है M1, जो M1 इज द मास ऑफ हॉट बॉडी, M2 इज द मास ऑफ कोल्ड बॉडी, और चलो एक हम मान लेते हैं M3, M3 फॉर कंटेनर, M3 फॉर कंटेनर, ओके। तो हीट लॉस बाई हॉट बॉडी तो क्या हो जाएगा, M1 C1 T1 माइनस T, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। अब तो सुनो देखो ध्यान से, 99% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, या सिंपल से तुम लोग ऐसे सोचना, हाँ ऐसा ही होता है कि कोल्ड जो मेरा होता है बॉडी, उसको हम कंटेनर में रखते हैं और फिर उसमें हॉट बॉडी हम लोग ऐड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोल्ड बॉडी का पहले वाला टेम्परेचर होगा, मिक्सर का भी टेम्परेचर वही होता है, सॉरी कंटेनर का भी टेम्परेचर वही होगा। मतलब कि अगर मान लो कि हमने बोला कि एक कंटेनर में हम 20 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ मेरा, हम जो कह रहे थे उस समय ये कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने पानी रखा है, उस कंटेनर में हमने पानी रखा है, और कंटेनर वाले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कंटेनर वाले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर में जो पानी है उसका टेम्परेचर 20 तो है ही, साथ साथ कंटेनर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही है, ओके। फिर हमने उस कंटेनर में और पानी ऐड किया, और जो पानी हमने ऐड किया है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो जो मेरा हॉट बॉडी हो गया उसका हो गया टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, जो मेरा कोल्ड बॉडी था उसका हो गया टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, जो मेरा कंटेनर था उसका भी हो गया टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही। अब जब हम इन जब अब हम लोग जब हॉट वाटर को उस कंटेनर में मिला देंगे, तो फाइनल टेम्परेचर कुछ 30-35 ऐसा आएगा, और वो सबका वही टेम्परेचर होगा, जितना भी पानी हो गया प्लस जो भी मेरा कंटेनर था सबका टेम्परेचर वही 30-35 कुछ भी ऐसा रहेगा। आप बोलो, आप ठीक है, समझ में आया, ओके। तो हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, तो मैं लेता हूं पहले कोल्ड बॉडी के लिए, तो M2 C2, और टेम्परेचर मान लो उसका पहले था T2, टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी पहले था T2 और बाद में हो गया T, तो या उसका हो जाएगा T-T2 प्लस हीट गेन बाई कंटेनर, तो उसका मास मैंने माना है M3, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने माना है C3, और इनटू T, T इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड माइनस, देखो मैं यहां पे ले रहा हूं T3, मैं नहीं, देखो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि ऐसा उसका टेम्परेचर अलग था, क्योंकि मैंने तुमको बोला है 99% केस नहीं, 1% में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज अदर, कुछ भी अलग, ठीक है ना, लेकिन 99% क्वेश्चन में एक काम करो तुम वही मान लो यार, तुम यहाँ पे T2 ही लिख लो, चलो उस 99 को हम लोग 100 बनाते हैं कि जो होगा टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी वही तुम्हारा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर भी, तो सिंपल सी कहानी ये था, देख लो अब तुम लोग, आया समझ में ना कैसे हमने किया, हीट लॉस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंटेनर में भी और उस कोल्ड बॉडी में भी, बोलो सबको, सबको ये है क्लियर कि इसमें कुछ डाउट है? ओके अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब कंटेनर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, आता है बहुत कम आता है, मेनली तुम्हारा क्वेश्चन आसान आता है और वो इस टाइप पे ही आता है कि हीट लॉस बाई जस्ट हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, तो तुम लोग ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बोलो 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 बोलोगे? देखो तो हमने यहाँ पे दो अभी सीखा फॉर्मूला और दो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा था, मैं एक बार फिर से उसको लिख देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वहां से आया था कि सी बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी और क्यू बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, सी था स्पेसिफिक कैपेसिटी, और हमने एक सीखा था सी डैश बराबर क्यू बाई डेल्टा टी और क्यू बराबर सी डैश इंटू डेल्टा टी, मतलब कि ये अरे एक तो रहा होगा ना सी डैश बराबर सी इंटू एम, अच्छा मेरा देखो ये मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे बेस्ड है, आज वाले पे बेस्ड नहीं है, आज वाला टॉपिक तब आएगा जब हम लोग दो बॉडी को मिक्स करें, तो यहाँ पे हमने मिक्स नहीं किया है, क्वेश्चन को मैं करता हूँ रीड, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट रेजेज टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स, कैलकुलेट नंबर वन द हीट कैपेसिटी सी डैश एंड नंबर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, हमको ये दो चीज फाइंड करना है, अब देखो देखो तो हमने जो लास्ट क्लास का इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वहां से हम लोग ये जानते हैं कि सी डैश बराबर क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब कि पहले क्वेश्चन के लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए सी डैश बराबर क्यू बाई डेल्टा टी, और सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं सी बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, या हम सिंपल ये भी जानते हैं कि सी बराबर सी डैश बाई एम, सी बराबर सी डैश बाई एम, तो पहले क्वेश्चन से हमको जैसे ही सी डैश मिल जाएगा, ये सी डैश क्या है हीट कैपेसिटी या फिर उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, तो उसमें हम मास से कर देंगे डिवाइड, तो हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मिल जाएगा। ओके अब सबसे पहला सवाल है कि हम क्यू और डेल्टा टी कैसे फाइंड करें, क्यू और डेल्टा टी, तो क्यू होता क्या है, क्यू इज सिंपल हीट एनर्जी, क्यू क्या होता है क्यू इज सिंपल हीट एनर्जी, और डेल्टा टी क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे राइज हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर हुआ है राइज, और कितना हुआ देखो तो डेल्टा टी हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिखेंगे चेंज इन इन टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 तो आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, तो हमको डेल्टा टी पता है, अब हमको क्यू फाइंड करना है, और क्यू क्या होता है क्यू होता है एनर्जी, क्या होता है क्यू, क्यू होता है एनर्जी, अब देखो तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं दिया लेकिन हमको पावर दिया है और टाइम दिया है, तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा आइडिया हो तो होता है हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तो यहाँ पे जो मेरा हीटर था ना हीटर वो कर रहा होगा चेंज आपका इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, वो जो हीटर है वो आपका सप्लाई कर रहा है हीट एनर्जी, और उसका पावर था 1000 वाट, और हमको टाइम कितना दिया, हमको टाइम दिया है 2 मिनट्स, अब एक बात आपको ये भी पता होगा कि जो वाट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, वो क्या होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, अब अगर हम इस वाट में या फिर जूल पर सेकेंड में सेकेंड से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको जो एनर्जी मिलने वाला है वो हमको मिलेगा जूल में, वो हमको मिलेगा जूल में, तो तुमको ये सब यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। ओके
मतलब कि देखो हमको पावर कितना दिया है, हमको पावर, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे यूज की एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, और पावर लेंगे वाट में और टाइम लेंगे सेकंड में, तब हमको जो मिलेगा एनर्जी वो हमको मिलेगा जूल में, ये सब तुम लोग को ध्यान रखना होगा। तो पावर हमने लिया है 1000 वाट और टाइम हमने लिया है, देखो टाइम लिया है 2 मिनट्स, तो आप इसको चेंज करो सेकंड में, तब जो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा वो आपका आएगा जूल में, कितना आएगा बोलो, 1 2 मतलब ये आपका जाएगा और एन ये आपका, हाँ ये पक्का ना इतना आएगा। तो ये आ गया कि इतना उसने सप्लाई किया है एनर्जी, किसने, हीटर ने, या आप चाहो तो इसको 1.2 × 10^5 जूल भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हीट एनर्जी, इतना जूल हमको यहाँ पे हीट एनर्जी डायरेक्टली नहीं दिया था, पावर दिया था, तो पावर से आपको चेंज करना होगा, टाइम से करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमको मिल गया है क्यू, हमको मिला है जूल में। अब देखते हैं हमको फाइंड करना था सी डैश, तो क्यू बाई डेल्टा टी, तो क्यू हम ले रहे हैं जूल में, तो 1.2 × 10^5 जूल डिवाइडेड बाई हम लिए हैं 6 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब कि जो मेरा हीट कैपेसिटी मिलने वाला है उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो आप लोग काम करना है इसका यूनिट का, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, अब बस तुम लोग इसको सॉल्व कर लो और चेक करो कितना आता है वैल्यू, मेरे ख्याल से ये आएगा 2 × 10^4, 2 × 10^4 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमको ये पता है कि डेल्टा टी जो आपका होता है वो होता है जितना आपका होता है इन डिग्री सेल्सियस उतना ही आपका होता है इन केल्विन में भी, मतलब कि आप चाहो तो इस डेल्टा टी को आप 6 डिग्री सेल्सियस की जगह आप इसको 6 केल्विन भी आप लिख सकते हो, उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा जूल पर केल्विन में और वो ज्यादा अच्छा होगा, तो आप इसको यहाँ पे 6 केल्विन ही लिखो, तो आपका आ जाएगा जूल पर केल्विन, पक्का बोलो सही है बोलो, हाँ। तो ये हमको मिल गया सी डैश। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमको जैसे ही हीट कैपेसिटी पता है हमको मास भी पता है, तो सी डैश बाई एम, तो 2 × 10^4 जूल पर केल्विन एंड मास कितना था, मास था 5 kg, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 10^3, 4 × 10 जूल पर केजी पर केल्विन। तो यूनिट का खास बात ध्यान रखते हुए देखिए ये आपका आ गया, या आप चाहो तो इसको 4000 भी आप लिख सकते हो, 4000 जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है और तुम लोग के पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अच्छा देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमको नहीं दिया है, तो उसका काम भी नहीं है, क्योंकि बोथ साइड वाटर ही है, जो हीट लॉस कर रहा है वो भी वाटर, जो हीट गेन कर रहा है वो भी वाटर, तो बोथ साइड सी और सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से जल्दी 2 मिनट का समय है, आंधी हो जाओ। सुनो क्वेश्चन है कि अब बकेट कंटेनिंग 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप, 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मेरा है हॉट बॉडी, जो वाटर आपका था एट 80 डिग्री सेल्सियस, इज पोर्ड इनटू इट, फुल स्टॉप, नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी